everyone, welcome to UG Entrance Examination by the 24/7. आप सभी लोग का 24/7 के चैनल पर बहुत 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 सारा वेलकम है. सो अभी तक हम लोग वर्ल्ड पार मेड इजी के काफी सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, जिसमें से हमने प्रैक्टिशनर्स के बारे में पढ़ा, डॉक्टर्स के बारे में पढ़ा, अपने आप को कैसे डिफाइन करते हो, ये सारी चीजें पढ़ी, राइट. सो नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी गोना कवर द पार्ट कि कैसे हम लोग डॉक्टर्स के बारे में पढ़ना था, वो तो हम लोग कल पढ़ चुके हैं, राइट. कैसे हम लोग साइंटिस्ट को डिस्क्राइब करेंगे या फिर कैसे हम लोग साइंस को डिस्क्राइब करेंगे, राइट, वो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले. तो एक बार फटाफट सभी लोग बता दें मुझे, आर यू ऑल रेडी फॉर द सेशन, क्या आप सभी लोग तैयार हैं सेशन के लिए? हाय मनीषा, जागृत, हेलो ग्रे शिवाय, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं सभी? बढ़िया, शानदार, ऑसम. चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन. सेशन को शुरू करते हैं हम लोग अभी हमारे वर्ल्ड पार मेड इजी के और साइंस और साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं, राइट. कोई मुझे आप लोग ऐसा टर्म बता सकते हो जो आपको लगता हो कि साइंस में रिक्वायर्ड होता है, कोई ऐसा साइंटिस्ट जिसकी कैटेगरी आप लोग को पता हो, देन वी कैन स्टार्ट अप विद दैट. इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो कहाँ है बेटा? प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, उसी में ही वो पड़ी हुई है. अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप एक बार मुझे बता देना, आई विल डू द क्रिएशन ऑफ दैट ऑल्सो. ओके, नो वरी. हाय वासु, न्यूटन, साइंटिस्ट का नाम न्यूटन है. कैटेगरी पूछ रही हूँ, पर्सनैलिटी का नाम नहीं पूछ रही. न्यूटन माई फेवरेट, ओके चलो ठीक है, दैट्स ग्रेट. तो स्टूडेंट्स बेसिकली देखो, अभी हम लोग सेशन को स्टार्ट करें, जब तक आप लोग मुझे आंसर कर रहे हो तब तक आप लोग को एक चीज बताते चलो यहाँ पर, कि डेल्टा बैच में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, राइट. इसमें आपको टीचर्स पढ़ा तो रही है, ठीक है, पढ़ाने के साथ साथ दे आर गिविंग यू अ लॉट ऑफ थिंग, जैसे टेस्ट सीरीज हो गई, आपकी ई बुक्स हो गई, वो इसमें इंक्लूडेड मिलती है. बैच आपका 599 का है, बट इफ यू आर यूजिंग अ कोड दैट इज माइन, और वो कोड है आपका Y484. अगर आप ये कोड यूज करते हैं Y484 तो यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. ओके, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड यू विल गेट द डिस्काउंट ऑफ नियर अबाउट 1000 rupees. सो जस्ट हैव इट, प्रिपेयर यूर सेल्फ इन अ सीरीज, इन अ सीक्वेंस, एंड इट विल हेल्प यू अलॉट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो. और आपका कोई टॉपिक ऐसा भी नहीं होगा जो छूट जाएगा, राइट. तो जैसे कि आप लोग मुझे बता रहे हो कि मैम न्यूटन के बारे में हम लोगों ने सुना है, वो हमारे फेवरेट हैं, ठीक है, न्यूटन्स थ्री लॉ ऑफ मोशन भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे, राइट. और सबसे ज़्यादा मुझे थर्ड लॉ ऑफ मोशन अच्छा लगता है, जिसमें आप बताते हो कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना. तो जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, है ना, इसका कहीं ना कहीं लॉजिक आता है. तो ये भी चीज़ कहीं ना कहीं साइंस से ही रिलेट करती है कि जो हम करते हैं वो हमारे पास हेडबैक ज़रूर होता है, कुछ भी व्हाटसोएवर, वेदर इट इज कर्मा और समथिंग वी आर थ्रोइंग, राइट. तो बेसिकली ये तो तुम लोग नाम बता रहे हो, हम क्या बता रहे हैं? हम ये बता रहे हैं कि साइंटिस्ट कौन कौन सी रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं. जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं जो स्पेस रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं, राइट. देन देयर आर सो मेनी साइंटिस्ट जो कि आपकी प्लैनेट्स के बारे में और स्टार्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, उनको डिस्कवर करते हैं, राइट. देन देयर आर सो मेनी साइंटिस्ट जो बायोलॉजिकल रिसर्च करते हैं, दुनिया में कितने तरह के जीव एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में रिसर्चेस करते हैं. तो अलग अलग तरह के जीव होते हैं, अलग अलग तरह की चीजें होती हैं. इवन हम लोगों का भी जो स्टडी था कि कैसे इंसान दुनिया में आया, कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, कैसे वो डेवलप हुआ, ये सब भी साइंटिस्ट ही डिस्कवर करते हैं, राइट. सो आज हम लोग यही साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये साइंटिस्ट आपके क्या करते हैं, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड प्लीज बी श्योर अबाउट दिस दैट यू पीपल नीड टू बी वेरी एनर्जेटिक. एज आई ऑलवेज से, ये शब्द आपके दिमाग में रट जाने चाहिए. और आपको बताती चलूं, जितने भी मैं वर्ड्स क्लास में लेती हूँ ना बेटा, ये सब आपके CUET 2022 के एग्जाम्स में आए हुए हैं. तो अगर मैं कोई भी वर्ड बता रही हूँ, आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हो तो उसको साइड में लिख लिया करो. बी श्योर अबाउट दिस कि ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, राइट. बी एनर्जेटिक, बी एंथुसियास्टिक, बी विगरस, राइट, बी जेस्टफुल एंड बी सोलफुल. इफ यू आर, देन यू पीपल विल गो ग्रेट. Got it? चलो. So, पहले वर्ड के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं. एंड द फर्स्ट वर्ड, ऑफकोर्स सबसे पहली चीज हमें दुनिया में अगर कुछ दिखाई दी जो सोच समझ के साथ दिखाई दी, वो दिखाई दी हम इंसान.
बोलते हैं ना इंसान हमेशा से ही सेल्फिश है, हमेशा से ही। और आप मुझे ये बताना, जो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सबका भला हो सबका सही हो, वो ये नहीं सोचता। जो इंसान सिर्फ ये सोचता है मेरा भला हो मेरा सही हो, ऐसे पर्सनालिटी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? मैंने आप लोग को पढ़ाया, आप मुझे बताओगे, राइट? अब क्योंकि जब इंसान पहली बार अपनी सोच को डेवलप कर पाया तो उसने ये सोचा कि आखिर ये ह्यूमन बींग्स आए कहां से, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इनका विकास कैसे हुआ। आपको बताया जाता होगा, पहले मम्मी लोग आपको बताती होंगी कि पता है आप हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कौन थे, हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। तो हमारे एंसेस्टर्स जो थे, जो भी थे वो उनके पीछे ऐसे पूछ होती थी, है ना। और ये कैसे पता चला? जब हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से एग्जामिन किया गया, पता चलता है कि हमारी बॉडी में जो बैकबोन होती है, जो हड्डी होती है, रील की हड्डी होती है, ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, उसमें नीचे के साइड देखोगे तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे कल ऐसे जैसा शेप होता है, नुकीला नुकीला जैसा, कभी टच करके देखना, दैट इज नोन एज टेल बोन, जिसका कोई यूज नहीं है, विच इज ऑफ नो यूज। लेकिन ऐसा कहा जाता था क्योंकि पहले इंसान जंगलों में रहता था तो उसको इधर उधर पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था, इधर से उधर कूद फंद मचानी होती थी, तो उस वजह से उसको पूछ की बहुत जरूरत पड़ती थी। बट जैसे जैसे उसका नीड खत्म हो गया, वैसे वैसे हमारी पूछ भी खत्म हो गई, राइट? सो बेसिकली मैं क्या बताना चाह रही हूं कि ऐसा नहीं है कि इंसान दुनिया में पहली बार हम जैसे ही दिखते थे। पहले उनकी बॉडी पर बहुत सारे बाल होते थे, उनकी एक पूंछ भी होती थी, मॉन्की होते थे, चिंपैंजी होते थे, अच्छा हाँ, अर्लियर द ह्यूमन बीइंग वर एप, और एंसेस्टर्स वर एप, हम लोग बंदरों से विकसित हुए। अगर आप बंदरों की एक्टिविटी देखोगे या आप जितनी भी बंदर की प्रजातियां उनकी एक्टिविटीज देखोगे तो बहुत ह्यूमनली होती हैं, राइट? सो उनसे हमारा विकास हुआ, और यही जो हमारा एंसेस्ट्रल डेवलपमेंट था। पहले हम लोग एकदम बंदरों की तरह चार पैरों पे चलते थे, फिर थोड़ा उठे, फिर थोड़ा उठे, फिर आग का विकास हुआ, ठीक है, आग की डिस्कवरी हुई, राइट? और आग की डिस्कवरी हुई तो बताया जाता है एक बार ह्यूमन बींग जल गया था, फिर उससे ऐसे 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 करके जेनेटल चेंजेस होते गए, एंड नाउ वी आर स्ट्रेट ह्यूमन बींग्स, है ना। आज भी अगर आप देखोगे तो कुछ लोगों की शक्ल आपको बंदरों की तरह दिखाई देती होगी। सो ये जो ह्यूमन बीइंग डेवलपमेंट था, ऐसे चलने रिलेटेड, फिर ऐसे वो चल के आया, तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, दिस इज नथिंग एल्स बट द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। और जो इंसान के बारे में स्टडी करे, मानवता के बारे में स्टडी करे, मैनकाइंड के बारे में स्टडी करे, दैट इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजिस्ट। मैंने आपको बताया था एंथ्रोप इज अ रूट वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं मैनकाइंड, राइट? और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और आईएसटी का मतलब होता है द पर्सन। तो वो पर्सन जो कि मानव के इवोल्यूशन की स्टडी करता है उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हो। समझ आ गया तमें बच्चा लोग? बताइए इज दिस मच क्लियर हैगा या नहीं हैगा? और ना मैं बहुत सारे वर्ड लिख रही हूं, मुझे बताना उसका मतलब क्या होगा। मिसएंथ्रोप, ठीक है, फिर लिख रही हूं एंथ्रोपोलॉजी। अब ये रूट वर्ड से ही बने हुए हैं बेटू। फिर बनता है आपका फिलान्थ्रोपिस्ट, ओके। फिल का मतलब है लव, ये तो आप बता ही दोगे। मिस का मतलब होता है हेट, है ना। ऑल्दो आप सोचते हो मिस का मतलब तो लड़की होता है, लेकिन यहां पे तो मिस का मतलब हेट है। कैसे हुआ? तो ये हो गया जब से रूट वर्ड आया। जल्दी से बताओ। वेरी गुड। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, सो द साइंस विच डील्स विद द इवोल्यूशन एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ द मैनकाइंड इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजी। एंड द पर्सन हु डील्स विद, और द साइंटिस्ट हु डील्स विद द इवोल्यूशन ऑफ द मैन इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और अगर मैं मिसएंथ्रोप हूं तो मुझे इंसान पसंद नहीं, मैं इंसानों से बात करती हूँ तो मुझे उल्टी आती है। मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, राइट? और फिलान्थ्रोपिस्ट वो होता है जो हमेशा मानव को, इंसान को गले लगा के रखता है, ओ तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम तो बहुत अच्छे हो। सो दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटीज आर जनरली सोशल, बहुत सामाजिक होते हैं, लोगों से बहुत प्यार रखते हैं, लोगों की मदद करते हैं, एंड दे आर वेरी ट्रू बाय हार्ट। या वेरी गुड, ठीक है। तो आप लोग क्या हो? फिलान्थ्रोप तो आप लोग क्योंकि हो नहीं, है ना, आप लोग तो माइजर हो, राइट? आप लोग हैंड्रिफ्ट या स्पेंड्रिफ्ट बोल सकते हैं हम आपको, या फिर आपको मैं बोल सकती हूँ कि आप लोग पार्सिमोनियस हो, ठीक है, या फिर मैं आप लोग को बोल सकती हूँ कि आप निगार्ड हो।
फ्रूगल तो मैं नहीं बोलूंगी, फ्रूगल वो पर्सनालिटी होता है जो सोच समझ करके खर्च करता है। तो अगर आप ये सोचते हो कि आपको पढ़ाई पर खर्च करना चाहिए तो आप फ्रूगल हो, अगर आपको लगता है भरपेट खाने के लिए खर्च करना चाहिए तो आप फ्रूगल हो। तो जो किफायती खर्च वाला इंसान होता है ना, जैसे हमारी मम्मा है, तो उनको आप फ्रूगल बोल सकते हो। वेरी गुड। सो आप समझ रहे हो ना मैं आपको इतने सारे नाम क्यों देती हूँ, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ये देखो ये इनकी ये खोपड़ी है इंसान की, इस खोपड़ी को स्टडी करनी है, ये भाई कहाँ से आया। ओके चलो नेक्स्ट आते हैं अगले वर्ड पे। कह रहा है एन एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर क्या होता है? दुनिया के बाहर, दिस इज आवर प्यारी सी अर्थ, क्यूट सी अर्थ, स्माइल करती हुई अर्थ, ये हमारी अर्थ है ठीक है। और इस अर्थ के बाहर जो भी स्पेस है ना, जो भी चीजें हैं, व्हाट्सो एवर इज देयर, अर्थ को नहीं, अर्थ के बाहर की चीजों को, स्पेस पे जो भी चीजें हैं, बियॉन्ड द अर्थ जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, राइट, अगर उनको कोई स्टडी करता है तो उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो एस्ट्रोनॉमर, ठीक, क्या बोलते हो? एस्ट्रोनॉमर। सो द फील्ड इज द हेवंस एंड ऑल दैट्स इन देम, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, स्टार्स एंड अदर यूनिवर्स, अपार्ट फ्रॉम अर्थ ऑल द अदर थिंग जो कि स्पेस में है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, यूनिवर्स हैं, इन सब के बारे में जो भी कुछ डिस्कवरी करता है या जो भी कुछ सोचता है उसको आप बोल सकते हो कि वो कौन होता है? एस्ट्रोनॉमर। गॉट इट? वेरी गुड। ब्रह्मांड के बारे में स्टडी करना। और एस्ट्रोनॉट कौन होता है? जो स्पेशली स्पेस रिसर्च के लिए जाता है, ठीक। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दो जल्दी से। अब यही इसी से बनी है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्लैनेट्स, गैलेक्सी, स्टार्स एंड द अदर यूनिवर्स। ओके ठीक है, ये साइंस है। और एस्ट्रोनॉट कौन होता है? वन हु गो फॉर स्पेस रिसर्च, एस्ट्रोनॉट। यहां तक क्लियर हो गया सभी लोगों को, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो यस मैम, क्लियर, परस्पिकुअस, पैल्पेबल, जल्दी से। यप ओके, पिल्यूसिड मैम, वाओ, ये मुझे अच्छा लगता है। मैं भूल जाऊं तुम्हें लेकिन तुम ना भूलना, ठीक है मैम। हम पार्सिमोनियस हैं, छोटे कछुए भी हैं और ढक्कन भी है, और पार्सिमोनियस भी हैं, छोटे कछुए भी हैं और ढक्कन भी हैं। हाँ लेकिन उसके पीछे रीजंस है ना, व्हाई आई से दिस, पैल्पेबल पेल्यूसिड मैम। अरे वाह, डबल डबल हो गया। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा बेटा। वन, अरे पेन क्यों नहीं चल रहे तुम, क्यों शैतानी कर रहे हो, कहाँ चला गया? ओ ओ, सब दिख गया आप लोगों को, तो यहाँ पे लिख दूँ वन हु गोस फॉर स्पेस रिसर्च। अरे शैतानी कर रहे तो बहुत, फॉर स्पेस रिसर्च। अच्छा एक और चीज पूछूंगी, जल्दी से बताना यहीं पे, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज करते हो। एस्ट्रोलॉजिस्ट कौन होता है? अरे तो क्या हो गया भाई, तुम ठीक तो हो ना? चलो एस्ट्रोलॉजिस्ट कौन होता है? एस्ट्रोलॉजिस्ट, अरे तुम लोग का असर पड़ गया इसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर देख रहे हो विनोद हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट। बताओ एस्ट्रोलॉजिस्ट कौन होता है जल्दी से? देख आप ही कहते हो ये सब और टीचर गलत नहीं बोलते, कभी तो ये सोचा होगा हम ये हैं सब। अच्छा Who deals in planets only like Sun, Saturn? Wow, Gunjan. Gunjan को पता ही क्यों पता है? क्योंकि Gunjan regular रहती है क्लास में. So sweet of you, Gunjan. That ये तो हमारा पुराना बुशर्ट है. Future predictors are astrologers. But yeah, but we cannot only say this that the future predictor are the astrologers.
वो फ्यूचर प्रेडिक्टर आखिर बनते कैसे हैं? आपकी जो कुंडली निकालते हैं वो क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है तो जिस मतलब जो प्लेनेट की डायरेक्शंस होती हैं, कौन से नक्षत्र में, मतलब उस टाइम पे प्लेनेट की क्या परिस्थितियां थी, कौन किसके बीच में था, क्या क्या था, क्या क्या नहीं था, तो इसके ऊपर पूरी स्टडी करी जाती है और उसका बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। तो कौन सा प्लेनेट कहां पर था, ये सब चीजों की जो स्टडी करता है या प्लेनेट्स और स्टार्स की जो स्टडी करता है उसको बोलते हो आप एस्ट्रोलॉजिस्ट। जनरली बच्चे सोचते हैं कि स्टार्स की रिसर्च करता है और प्लैनेट्स की रिसर्च करता है तो एस्ट्रोनॉमर हो जाएगा, लेकिन एस्ट्रोनॉमर बेटा वो होता है जो बियॉन्ड द अर्थ हर कुछ डिस्कवर करे, दैट इज एस्ट्रोनॉमर। बट एस्ट्रोलॉजिस्ट कौन होता है? एस्ट्रोलॉजिस्ट इज वन जो कि प्लैनेट्स और स्टार्स की स्टडी करता है और फिर आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है उससे। सो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए वन हु स्टडी प्लैनेट्स एंड स्टार्स इज नोन एज, नो इट्स नॉट एस्ट्रोनॉमर, इट्स एस्ट्रोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, ठीक है? फ्यूचर प्रिडिक्टर के साथ साथ ये ग्रह नक्षत्र भी देखता है। फ्यूचर प्रिडिक्टर तो सही है आप लोगों का, ठीक है? इसके अलावा ये क्या करता है, प्लैनेट्स और स्टार की मूवमेंट्स को भी देखता है। ओके चलो, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दो मैम प्लूसेट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है? और आप अच्छी लग रही हैं मजाक कर रही हूँ चलो, वन हु स्टडीज द पाथ एंड पोजिशन ऑफ प्लैनेट्स एंड हाउ दे इफेक्ट्स आवर लाइफ, वेरी गुड। ग्रह ने पूरी ग्रह दिशा बता दी और इस वर्ड का मीनिंग भी बता दिया, दैट्स रियली वेरी नाइस ग्रह, सो स्वीट ऑफ यू, ग्रेट 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 अमेजिंग। लेट्स मूव अहेड, ओके लेट्स मूव अहेड। द वर्ड इज जियो, जियो मेरे लाल जियो, ये जियो वाला जियो नहीं है अंबानी वाला, वो जे आई ओ है ना, तो यहाँ पे जियो है और जियो कभी भी आ जाए ना मिटू तो उसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है अर्थ से, अर्थ हमारी प्यारी धरती माँ। ओके सो दिस जियो रेफर्स टू अर्थ, धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला, ऐसा देश किसका है बताओ? जियोलॉजिस्ट। अब जियो का मतलब है अर्थ, लॉजी का मतलब है स्टडी और आईएसटी का मतलब है पर्सन। तो एक ऐसा इंसान जो अर्थ और अर्थ में हो रहे जितने भी मोमेंट्स हैं उनकी स्टडी करता है तो उसको आप जियोलॉजिस्ट बोलते हो। ऑल्दो इनकी भी कैटेगरीज को डिवाइड कर दिया गया बट अभी हम लोग मोटे मोटे रिसर्चर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सो जैसे कि अगर अर्थक्वेक की कोई अर्थ के अंदर ही हो रहा है ना, ये चीजें तो अर्थ के अंदर ही हो रही है ना कि अर्थक्वेक आ रहा है, उसकी स्टडी कोई करता है तो उसको सीस्मोलॉजिस्ट बोल देते हो आप लोग, ठीक? तो इसकी भी कैटेगरी डिफाइंड है, वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन देम आल्सो आफ्टरवर्ड्स, लेकिन अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये पढ़ लिया आप लोगों ने। अब जियो से रिलेटेड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द फील्ड इज कंपैरेटिवली लिटिल एंड इनसिग्निफिकेंट व्हर्लिंग बॉल ऑन विच वी लिव द अर्थ। तो ये जो व्हर्ल का मतलब होता है जो गोल गोल घूम रही नाच रही हमारी छोटी सी गेंद है जिसको हम प्यार से धरती माँ बुलाते हैं, ठीक है? तो हाउ डिड अवर प्लैनेट कम इन टू बींग, कैसे ये अर्थ का एग्जिस्टेंस हुआ, ठीक है? कैसे एग्जिस्ट कर रही है ये, किससे बनी हुई है, माउंटेन्स कहाँ हैं, ओशियंस, रिवर्स, प्लेन्स, वैलीज फॉर्म एंड व्हाट सो एवर इज देयर, डिगिंग विगिंग करके जो भी चीजें मिल रही हैं, राइट? सो सब चीजों के बारे में अर्थ के ऊपर जो पूरी तरीके से फोकस्ड हो और अर्थ को पूरा खोदबीन कर डाले तो दैट इज नोन एज जियोलॉजिस्ट। एंड जियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द रिसर्च ऑफ वॉट, विद द रिसर्च ऑफ अर्थ। बताओ ज्योग्राफी क्या होगा? अरे क्या हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, मैं यहां पे लिख रही हूं, यहां पे दिख रहा होगा पता नहीं। ज्योग्राफी क्या होता है बताओ जल्दी से, फिर जियोफोबिया, जियोफिलिया क्या होगा जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। पामिस्ट्री कहते हैं बेटा, वो जो हथेली की रीडिंग करते हैं ना उसको पामिस्ट्री बोलते हैं, पामिस्ट्री, PALMISTRY, पामिस्ट्री। रिटन इन्फो अबाउट अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी, बिकॉज जियो का मतलब है अर्थ, ग्राफी का मतलब है समथिंग रिटन।
तो जो भी चीजें लिखी हुई होती है ना अर्थ के बारे में, उसको अगर आप पढ़ रहे होते हो तो दैट इज ज्योग्राफी। जियोफोबिया क्या होता है? अगर किसी को अर्थ की पिक्चर देख करके डर लगता है तो उसको जियोफोबिया, वो जियोफोबिक पर्सनैलिटी है। और जियोफिलिया क्या होता है? वन हु लव्स अर्थ, वन हु इज द लवर ऑफ अर्थ, जिसको अपनी धरती माँ से बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा, है ना, और वो धरती पे रहने वाले लोगों को भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। ओके जो हमारे आर्मी मैन करते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दो, इज दिस मच क्लियर, पैल्पेबल, पेल्यूसिड, टिम्पेड टू एवरीवन? अर्थ लवर, हाँ, तेरी मिट्टी में घुल जाना नहीं, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, गुल बन के मैं खिल जाऊं, बस इतनी है दिल की आरज़ू। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा बेटा। लेकिन मुझे ये बताओ, आप लोग हो कि नहीं, आप सेशन लवर हो कि नहीं हो? आपको रुबाका मैम के सेशंस पसंद आते हैं कि नहीं आते? आप चीजें सीखते हो कि नहीं सीखते हो? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैम इतनी मेहनत करती हैं, सारे टीचर्स इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात जाग जाग के, पढ़ पढ़ के, पढ़ा पढ़ा करके मोटे होते जा रहे है ना? तो आप लोग को ऐसा लगता नहीं है कि आप लोग नाइंसाफी कर रहे हो अपने टीचर्स के साथ? जब आप लोग सेशन को शेयर करते हो, सेशन में चैट रेट बढ़ाते हो या सेशन को लाइक करते हो, तो उसकी रीच बढ़ती है। तो हर एक बच्चा, मतलब टीचर को क्या अच्छा लगता है? कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को वो पढ़ा पाए, इतना ही तो चाहिए होता है उसे, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चा उसे सीख पाए। फील यू ऑफ रुबाका मैम क्लास, गुंजन कह रही है। ओहो ओहो हो, ये पर्पल हार्ट मेरे लिए है कि बीटीएस के लिए? मैम यस मैम, हम सब तो आपके फैन, नहीं नहीं फैन नहीं, आप सब लोग मेरे हो तो बाकी कंजूस भी होंगे ना, कुछ नए नए वाले, वो थोड़े 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 करके सामने आएंगे। ओके दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। जो भी बच्चे नए हैं सेशन में, प्लीज बी रेगुलर इन द सेशन, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंजॉय करोगे और बहुत सारी चीजें लर्न करोगे। सबसे ज्यादा जरूरी होता है चीजों में सीखना, एंड आई बिलीव कि अभी तक आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे बताना ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, जैसे घूमी 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 कर रहा है, ठीक है? चलो, सो हियर कम्स अनदर वर्ड, एंड द वर्ड इज बायोलॉजिस्ट। अब इसको बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट करते हो आप लोग, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, दैट इज नॉट रॉन्ग एट ऑल, बट अभी जो न्यू प्रोनाउंसिएशन है इट इज जस्ट लाइक बायोलॉजिस्ट, ओ आर एल को जोड़ देते हैं, सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, तो ओ आर एल को जोड़ देते हैं और नेक्स्ट वाले ओ को पढ़ते ही नहीं है, तो आप ऐसे पढ़ना इसको बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट। भाई छतानी मत करो, चलो ऑल और ये जिस्ट इसको मत पढ़ना। बायो का मतलब है लाइफ, जीवन, जो जिंदगी आपकी हसीन है। लॉजी का मतलब है स्टडी, लॉजी का मतलब है स्टडी, और आईएसटी का मतलब है पर्सन। तो एक ऐसा पर्सन जो कि क्या करता है, जो जो लोगों के जीवन के बारे में पढ़ता है, या आपके अर्थ पे जितनी भी जीवित चीजें मौजूद हैं उनके बारे में स्टडी करता है, उसको आप बोलते हो बायोलॉजिस्ट। क्या बोलते हो? बायोलॉजिस्ट। ठीक, नाउ इससे रिलेटेड भी बहुत सारे वर्ड्स बने हुए हैं आपके। बायोलॉजी मैं लिख दे रही हूं, ठीक है? बायोग्राफी, अरे बहुत परेशान कर रहा है आज बोर्ड मुझे। बायोग्राफी, अब अगर ये हिल गया ना तो आप लोग सच में कंजूस हो, ठीक है? चलो बायोलॉजी, बायोग्राफी, फिर मैंने लिख दिया ऑटोबायोग्राफी, कंजूस हो आप लोग, बोर्ड हिल रहा है जबरदस्ती का। चलो ऑटोबायोग्राफी लिखने ही नहीं दे रहा, परेशान कर रहा है। ऑटोबायोग्राफी, पता नहीं ऐसा हो, मुझे लगता है पेन का कुछ इशू है।
ठीक है, फिर हाँ, बायोफिलिक पर्सनालिटी। और फिर लिख देते हैं बायोस्फेयर। ये बनी हुई है बेटा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसको मैं, आप एक काम कर दूंगी, मैं इसको फ्रंट पे शो करवा दूंगी ताकि आप लोगों को ये दिख जाए, ठीक है। वेरी गुड। तो देखो, बायो का मतलब है लाइफ और लॉजी का मतलब है स्टडी। सो द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ और द लिविंग थिंग्स इज नोन एज बायोलॉजी। नाउ व्हाट इज बायोग्राफी? बायोग्राफी, बायो का मतलब है लाइफ और ग्राफी का मतलब है समथिंग रिटन। तो अगर किसी की जिंदगी के बारे में कुछ लिख दिया जाए, किसी की जिंदगी के बारे में कुछ लिख दिया जाए तो वो बायोग्राफी हो जाती है। हिंदी में बोलते हो जीवनी, जैसे हम लोग गांधी जी की जीवनी पढ़ते हैं, गांधी जी की जीवनी पढ़ते हैं, मदर टेरेसा की जीवनी पढ़ते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़ते हैं, राइट। तो किसी के भी जीवन के बारे में अगर कुछ लिख दिया जाता है तो दैट इज बायोग्राफी। फिर आता है ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटो तो हम चलाते नहीं है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और बायो का मतलब होता है लाइफ, और ग्राफी का मतलब होता है समथिंग रिटन। तो अगर खुद के जीवन के बारे में कुछ लिख दो, जैसे आप बोलते हो आत्मकथा, है ना, अगर खुद के जीवन के बारे में कुछ लिख दो तो वो ऑटोबायोग्राफी हो जाता है। और अगर मैं बोल रही हूं मैं बायोफिलिक पर्सनालिटी हूं, दैट मींस आई लव दैट पीपल आर लिविंग, आई लव दैट ट्रीज आर लिविंग, है ना, और आई लव दैट द इंसेक्ट्स, द एवरीथिंग व्हाटसोएवर इज प्रेजेंट ओवर देयर, जो भी लिविंग है, जो भी जीवित चीजें हैं, उन्हें देख करके अगर मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं बायोफिलिक पर्सनैलिटी हूँ। और बायोस्फीयर क्या होता है? स्फीयर का मतलब होता है समथिंग विच इज सराउंडेड बाय समथिंग, राइट। आप ऐसे बोल सकते हो स्फीयर इज अ सर्क्यूलर पार्ट, एक ऐसी जगह या पार्ट ऑफ अर्थ भी बोल सकते हो उसको, या वो पार्ट ऑफ अर्थ जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। So a place where life exists या a part of earth where life exists is known as biosphere। बताओ, समझ गए तुम्हें बच्चा लोग? Perspicuous है, clear है, palpable है, tempered है, lucid है, pellucid है कि नहीं है, जल्दी से बता दो। तो earth का वो part जिसमें आपको जिंदगी दिखाई दे वो क्या हो जाता है? biosphere। बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज रिलेटेड टू द टेक्निकल पार्ट। ये बताया नहीं था आप लोगों ने, जो घूमी घूमी कर रहा है वो कौन है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखो, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आप लोगों को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपकी बायोलॉजी है, आप लोग क्लास 12th तक जब तक पढ़ते हो ना तो आपको बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में जाते हो तो इस बायोलॉजी के मल्टीपल पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग प्लांट्स की स्टडी में चले जाते हैं, कुछ लोग एनिमल्स की स्टडी में चले जाते हैं, और कुछ लोग कीड़े मकोड़े की स्टडी में चले जाते हैं, मतलब कीड़े मकोड़े के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं, राइट। सो आपको यह समझना जरूरी है बेटा कि अगर हम प्लांट की स्टडी करने के लिए जाते हैं, किसकी स्टडी करने जाते हैं? देखो बायो, ओहो what are you doing man, don't परेशानिंग me। अगर हम प्लांट की स्टडी के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज नोन एज बॉटनी। बहुत आसान है इसको लर्न करना, एक होता है जू और एक होता है बॉटनी। तो जू लर्न कर लो, बॉटनी अपने आप लर्न हो जाएगा। जू से एनिमल याद रखना और बॉटनी इज फॉर प्लांट, बोटानिकल गार्डन्स होते हैं ना। तो बोटानिस्ट कौन होता है या बॉटनिस्ट कौन होता है? बॉटनिस्ट वो पर्सनालिटी होता है जो स्टडी करता है प्लांट्स को, डिफरेंट काइंड और डिफरेंट स्पेशी ऑफ प्लांट्स को, ठीक है, उसे आप बोलते हो बॉटनिस्ट। अच्छा, इसी से एक और वर्ड लर्न करना जो आपके एग्जाम्स में पिछली बार पूछा गया था। किसमें पूछा गया था? CUET 2022 में। लिख रही हूं यहां पर, आपने पढ़ा होगा फ्लोरा एंड फौना। पढ़ा है फ्लोरा एंड फौना? कितने लोगों ने पढ़ा है? हैंड रेस करो जरा। कितने लोगों को पता है फ्लोरा एंड फौना क्या होता है? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फ्लोरा एंड फौना? डिफरेंट स्पेशीज ऑफ प्लांट एंड फ्लावर, दिस इज ट्रू। अगर आपको कहीं पर वेजिटेशन मिल जाए ऑफ
इफ देयर आर सो मेनी प्लांट वेजिटेशन, मतलब आपको ऐसा देखने के लिए मिले कि सो मेनी प्लांट स्पेशीज टूगेदर इज नोन एज फ्लोरा. फ्लोरा फ्लावर से ऐलान करना, ठीक है, पुष्प समझ के फ्लावर समझे थे क्या हम, फायर है फायर. तो वो फ्लोरा से फ्लावर याद रखना, और फ्लावर से आप प्लांट कनेक्ट कर सकते हो. तो फ्लोरा इज नथिंग एल्स बट दी प्लांट स्पेशी, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट स्पेशी टूगेदर इज नोन एज फ्लोरा. और फौना क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल स्पेशी टूगेदर इज नोन एज फौना, राइट. तो अगर आपको यहां पर ये देखने के लिए मिले दैट, देखो ये पहले इसको पढ़ लो, बायोलॉजी क्लासिफाइज द लाइफ इनटू टू ग्रेट डिविजन्स, प्लांट एंड एनिमल. ये बड़े बड़े डिविजन है, प्लांट और एनिमल दो हिस्सों में बांट दिया, राइट. और वो साइंटिस्ट जो आपको क्या, द साइंटिस्ट प्रोविंस इज द फॉर्मर कैटेगरी फ्लावर्स ट्रीज श्रब्स मॉसेस मरीन वेजिटेशन एंड ब्लॉसम्स, फूल क्यों खिल रहे हैं, फ्रूट्स सीड्स ग्रासेस एंड ऑल द रेस्ट दैट मेक अप द प्लांट एंड किंगडम इज नोन एज बॉटनिस्ट. जो सबकी स्टडी करे उसको आप बॉटनिस्ट बोलते हो, है ना. और आपको कहीं पर प्लांट स्पेशी किंगडम पूरा कंप्लीट दिखाई दे तो उसको आप बोलते हो फ्लोरा. फ्लोरा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया मुझे, कमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट जल्दी से. यहां तक समझ में आ गया सभी लोगों को, एवरीबॉडी? ऑल द प्लांट लाइफ प्रेजेंट टुगेदर. अब अगली टुकड़ी आती है आपकी बायोलॉजी की दूसरी, जो होती है जूलॉजिस्ट. और जू से याद रहेगा आपको एनिमल, राइट. तो जो एनिमल की स्टडी करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल जो जो हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं उनकी अगर स्टडी करता है तो उसको जूलॉजिस्ट बोलते हैं. तो आप देख भी लो यहाँ पे लिखा हुआ है, एनिमल्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन काइंड इन कंडीशन इन फ्रॉम बर्ड्स टू बीज फिश टू फाउल रेप्टाइल्स टू ह्यूमंस आर द स्पेशल एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ द साइंटिस्ट. तो छोटे से लेकर के बड़े जानवर के बारे में जो भी कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, जो भी रिसर्च कर रहा है, उसको आप लोग बोल देते हो जूलॉजिस्ट होता है वो. अब इससे आपके अलग अलग वर्ड्स बन गए, जूलॉजी, ठीक है, फिर बना यार ये परेशान कर रहा है मुझे, जू फोबिया, जू फीलिक जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है. Zoophilia is different, zoophilic is different. Zoophilia is the love towards animal and zoophilic is the personality. Phobic is the personality. But यहाँ पे मैंने phobia लिखा है, तो अलग अलग वर्ड याद रखना, ठीक है. और एक और वर्ड यहाँ पर लिख देना, fauna. तो flora फ्लावर से प्लांट बन जाएगा और fauna आपका एनिमल के लिए यूज होता है, that is for the एनिमल स्पेशीज. जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था फ्लोरा, ऑल द प्लांट लाइफ प्रेजेंट टुगेदर, वैसे ही ऑल द एनिमल स्पेशी लिविंग टुगेदर इज नोन एज कौन, फौना. ज़ूफोलिक पर्सनालिटी, वन हु इज द लवर ऑफ एनिमल्स. तो वन हु लव्स एनिमल, लवर ऑफ एनिमल. कुछ कर रहे हो आप लोग, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहां पर. ज़ूफोबिया इज द फियर टुवर्ड्स एनिमल. भाई आपको जानवर देख करके डर लगता है और आप चिल्ला के भागते हो, आ मम्मा, तो यू आर ज़ूफोबिक पर्सनैलिटी, fear of animal. अच्छा एक और क्वेश्चन पूछूंगी अभी. ये तो ब्रांच ऑफ साइंस वे स्टडी और डील्स विद द एनिमल इज नोन एज zoology, राइट. एक क्वेश्चन और पूछ रही हूँ, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके, zoocide क्या हो सकता है, zoocide.
अभिषेक कह रहा है मुझे भी डर लगता है, पहले तो मुझे बहुत लगता था, एक बार मैं बहुत कस के हड़काई गई थी अपने घर पर, तब से मेरी मम्मी वॉज लाइक चिल्ला दिखाओ तुम किसी जानवर पे, लेकिन अभी भी मैं कभी कभी वो मुर्गा मुर्गी होते ना उनको देख के चिल्ला देती हूँ मम्मी 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 करके। हाँ नहीं नहीं पर्सन नहीं बोलोगे, किलिंग ऑफ एनिमल्स आर नोन एज जूसाइड, किलिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अच्छा बीच बीच में मैं मस्ती करती रहती हूँ, आप लोगों को बुरा तो नहीं लगता है? हाँ इरिटेट तो नहीं होते हो आप लोग मस्ती से? कभी कभी जैसे होता नहीं है, ज्यादा हो जाती है तो आप इरिटेट होने लगे, नहीं मैम ज्यादा हो जाता समझ में नहीं आता, ऐसे वाली फीलिंग तो नहीं आती है? आप इंजॉय करते हो स्टडी को? जल्दी से बताओ। नॉनवेज भी लाइक हम क्या करें फिर, जॉब छोड़ दें? अच्छा मैं फिर नॉन वेजिटेरियन हूँ। नहीं 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 मैं वेजिटेरियन हूँ, वेजिटेरियन हूँ, वेजिटेरियन हूँ, वेजिटेरियन हूँ, सॉरी। मैं इवन एग भी नहीं खाती हूँ, है ना, जैसे कुछ लोग एगिटेरियन होते हैं ना, तो मैं एग भी नहीं खाती। सो आई लव नॉट ईटिंग एग, बहुत अच्छा लगता है। सपना कह रही मैम कभी कभी, नो मैम रादर अच्छा लगता है। अच्छा तो ये सपना का अलग से स्टेटमेंट आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, सपना के लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट लाऊं? ऐसे याद हो जाता है, अरे वाह ठीक है। नो मैम मज़ा आता है पढ़ने में। हाँ मुझे मुझे लगा, मतलब जैसे मेरे को पूछना ज़रूरी था ना, आफ्टर ऑल यू पीपल आर माइंड ना मैम। आई एम प्योर वेजिटेरियन और मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। आप प्योर वेजिटेरियन हो, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैं वेजिटेरियन हूँ, जो एग खाता है वो एगिटेरियन है और जो मांस खाता है वो नॉन वेजिटेरियन है ना। लेकिन अगर इसी को ही आप पढ़ते हो साइंटिफिकल टर्म में, तो जो घास खाता है वो हर्बीवोर, ठीक है, जो मांस खाता है वो कौन होता है, कार्निवोर, और जो दोनों खाता है जैसे डॉगी और ह्यूमन बींग, तो वो कौन हो जाते हैं, ओमनीवोर, और जो सिर्फ फ्रूट्स खाता है उसे आप बोलते हो फ्रूगीवोर, ठीक, फ्रूगी या फ्रूजी दोनों बोल सकते हो। तो हर्बीवोर घास खाने वाला, कार्निवोर फ्लैश खाने वाला, और ओमनीवोर दोनों खाने वाला, जो कि पता नहीं हम है कि नहीं, हम तो घास फूस खाने वाले हैं तो हम हर्बीवोर हैं, ठीक है। और लास्ट क्या बताया था मैंने, फ्रूगीवोर, याद रखना बेटा ये टर्म्स भी आपके एग्जाम से पूछे गए थे, इनमें से जो आपका फोर्थ वाला है फ्रूगीवोर वो पूछा गया था एग्जाम में, ठीक। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? दिस मच पल्पेबल, परस्पिकुअस, टिम्पेड, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, पेल्यूसिड, ल्यूसिड, एवरीवन फ्रूगीवोरस, तो छोड़ दो पलक। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ यहां पे, अब ये बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एनिमल की कैटेगरी है उसमें एक और सब डिविजन किया गया, और जिसमें इंसेक्ट को अलग से लाया गया, कीड़े मकोड़े जो कि आपके हाथ में आते हैं तो शायद इतू से भी ना दिखें कभी कभी, और आपका सबसे फेवरेट कीड़ा कौन सा है मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। मतलब कीड़े की प्रजाति में, इंसेक्ट की प्रजाति में आपको सबसे अच्छा कौन लगता है? तो जो कीड़ों की स्टडी करता है उसको बोलते हो आप एंटोमोलॉजिस्ट। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, देयर आर ओवर 650,000 डिफरेंट स्पेशीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ एवरी स्पेशीज, एंड दिस साइंटिस्ट इज इंटरेस्टेड इन एवरी वन ऑफ देम। तो जो कीड़े मकोड़े में, अब यहां पे देखो क्या बताया जा रहा है, 650,000, तो ये तो वो चीजें हैं जिनका एस्टिमेशन ये कर पा रहे हैं। देयर आर सो मेनी बिलियंस जिनका अभी तक कोई अता पता ही नहीं है, हर बार नए प्रकार के कीड़े बन जाते हैं, दिखने भी लगते हैं, राइट। सो अगर कोई साइंटिस्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है कीड़े मकोड़े में, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें, तो वो जो है होता है उसे बोलते हो आप एंटोमोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट, और इसकी स्टडी को बोला जाएगा एंटोमोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द रिसर्च ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोलॉजी। क्लियर, बताओ इतना क्लियर हो गया बेटा?
वेरी गुड. इस रूट वर्ड को जरूर बेटा याद रख लेना कि एंटोम वर्ड कभी भी आता है ना तो वो इंसेक्ट्स रिलेटेड होता है. कभी जब आगे हम लोग सेशंस लेंगे ना तो हम लोग पूरे इस एंटोम वर्ड को पढ़ेंगे जिससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, सो मेनी, लाइक एंटोमेटेडा, एंटोमटर, ठीक है, एंटोमोटोमी, बहुत सारे वर्ड होते हैं तो इनको भी हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग. स्पेशली ये क्या होते हैं, प्लेसेंटोम एक वर्ड होता है जो बायो वाले होंगे वो समझ पा रहे होंगे, राइट. तो ये सारे के सारे वर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे इन फ्यूचर. स्पेशली ओनली हम लोग इंसेक्ट की जो अलग अलग ब्रांचेस हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. अभी आपको दो याद रखना है, एंटोमोलॉजिस्ट और एंटोमोलॉजी, ठीक. और चाहो तो एंटोमोफोना भी पढ़ सकते हो. एंटोम इज इंसेक्ट और फोना क्या होता है, जब एक साथ सारे इंसेक्ट आपको एक ही जगह पे दिखाई देंगे, कीड़े की प्रजातियां एक साथ दिखाई देंगे तो उनको एंटोमोफोना बोलते हो, क्योंकि फोना पढ़ चुके हैं उस वजह से यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं इसको. ओके, देखो एंटोमोफोना. ठीक, बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है. ग्रेट, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट. अब कह रहा है फिलोलॉजिस्ट, ठीक है. ऑल्दो फील इज अ वर्ड जो कि हम लोग लव के लिए यूज करते हैं, बट यहां पर फिल वर्ड जो है वो लिटरेचर के लिए यूज हुआ है, ठीक है, लिटरेचर के लिए यूज हुआ है, लैंग्वेज के लिए यूज हुआ है. तो कह रहा है अ फिलोलॉजिस्ट इज समवन हु स्टडीज द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस, कि लैंग्वेजेस कहां से आई, स्पेशली बाय लुकिंग क्लोजली एट लिटरेचर. सबसे पहले वो लिटरेचर को पढ़ता है क्योंकि अलग अलग लिटरेचर्स होंगे, लिटरेचर्स होंगे तो अलग अलग लिटरेचर्स जो होते हैं वो अलग अलग आपको साइकोलॉजीज बताते हैं, तो वहां से इसका फॉर्मेशन हुआ. तो एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जो कि आपको किसके साथ डील करती है, कि लैंग्वेजेस की हिस्ट्री क्या है, ठीक है, कौन कौन से लिटरेचर्स थे हमारे यहाँ और उनकी हिस्ट्री क्या रही थी, उसको जो पढ़ता है उसको आप बोलते हो फिलोलॉजिस्ट. ओके, सो ये वाला पार्ट जरूर से जरूर लर्न कर लेना आप लोग, दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड सेम इज द फिलोलॉजी, वन हु डील विद द ब्रांच ऑफ साइंस विच टेल्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज फिलोलॉजी. गंजू फोबिया नहीं होता. मैम एक डाउट है मुझे, पूछो बेटा डाउट पूछो, आस्क फॉर डाउट. कोई बात नहीं, अभी हम लोग ये वाली जो वर्ड पार मेड इजी खत्म कर लेंगे ना तो हम लोग कुछ ऐसे भी कैबलेज पढ़ेंगे जिससे हम सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे, सो डोंट वरी फॉर दिस. अब ड्रीम इलेवन में टीम बना लीजिए, हम लोग कमेंट्स कमेंट्स खेलते हैं. ठीक है बेटा, तो मैं एंड कर दूं क्लास. आई थिंक दिस वॉज द लास्ट वर्ड, एक और बचा हुआ है. हाँ वही मैं देख रही हूँ, everybody is just busy in doing comments. कर लो, मैं टाइम दे रही हूँ आप लोगों को. अमन कह रहा है नहीं मैम अभी तो हम आए, चलो आगे बढ़ जाते हैं. बेटा लास्ट ही शायद बचा हुआ है, कह रहा है अ सिमेंटिसिस्ट. अब सिमेंटिसिस्ट क्या होता है, दिस लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट एक्सप्लोर द सटल इंटेंजिबल इल्यूसिव रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थिंकिंग, बिटवीन मीनिंग एंड वर्ड्स, and is interested in determining the psychological causes and effect of what people say and write, right? तो यहाँ पर जो अलग अलग languages होती हैं उसमें किस तरीके से बदलाव होता है, कैसे वो एक दूसरे से अलग होती हैं, जो उसकी study करता है उसको आप बोलते हो कि वो कौन है, वो semanticist है.
तो कहीं ना कहीं ये लोगों की साइकोलॉजी के साथ भी डील करता है कि क्यों आखिर उनमें ये डिफरेंस आया, क्यों लोग अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है लोगों के दिमाग पर। जैसे अगर आप देखोगे तो अगर आप लखनऊ साइड चले जाओगे तो वहां पे लोग हम करके बात करते हैं, यहाँ गुड़गांव की भाषा है मैं करके बात करने की। सो कई सारे लोग अलग अलग भाषाओं का यूज करते, कहीं और जाओगे कहीं और की भाषा अलग होगी, तो उनका टोन डिफरेंस आप देखोगे, उनके जो उच्चारण है उसमें आप डिफरेंस देखोगे, राइट। सो जो लोग अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं या अलग अलग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है, जो ये फाइंड आउट करता है उसको आप बोलते हो सिमांटिसिस्ट। और सिमांटिक इज द ब्रांच ऑफ स्टडी विच डील्स विद द सटल डिफरेंस ऑफ द लैंग्वेजेस विच पीपल स्पीक, राइट, गॉट इट, ग्रेट। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लो। Is this much clear, palpable, lucid, tempered to everybody? और लास्ट आता है आपका सोशियोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजिस्ट एक आपका समाज सेविक बोल सकते हो आप इसको। सोशियो रेफर्स टू सोसाइटी, राइट, और वो पर्सन जो कि समाज की स्टडी करता हो, या आप ऐसे बोल सकते हो द साइंटिस्ट इज अ स्टूडेंट ऑफ द वेज इन विच पीपल लिव टूगेदर, देयर फैमिली एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स एंड कस्टम, देयर housing, their social relations, their forms of government and their layers of caste and class. तो जो भी person society के बारे में कुछ भी पढ़ता है कि आखिर लोग किस तरीके से रहते हैं, उनके रहने का रिवाज क्या है, ठीक है, कैसे उनके ड्रेसेस वगैरह अलग अलग होते हैं, या फिर उनके अंदर कास्ट डिफरेंसेस क्यों होते हैं, जो भी पर्सन इन सब की स्टडी करता है या कम्युनिटी के बारे में पढ़ता है, ठीक है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में पढ़ता है, तो उसको आप बोलते हो सोशियोलॉजिस्ट। इतना क्लियर है? कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दो फटाफट। और जो लोग समाज सेवक होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोशल सर्विस करते हैं। और एक इसी से रिलेटेड आपका सीयूईटी 2022 में क्वेश्चन आया था वॉलेंटियर करके, वॉलेंटियर। तो एक ऐसा पर्सन जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे लिए हुए लोगों की सेवा करता है, लोगों के लिए काम करता है, उसे आप वॉलंटियर बोलते हो। सिमेंटिक आप इस तरीके से बोल सकते हो बेटा, जो अलग अलग भाषाओं में जो डिफरेंस देखने के लिए मिलता है उसकी स्टडी करता है, उसको आप सिमेंटिक्स बोलते हो, ठीक है। इसके बाद विल कम टू द क्वेश्चन। अब इसमें भी आप कनेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे वर्ड आपके हो सकते हैं। सोशियोलॉजी इज वन ऑफ द वर्ड, सोशियोग्राफी भी वर्ड हो सकता है आपका, तो अलग अलग वर्ड सोशियोफोबिया, सोशियोफिलिया, ये सारे वर्ड आप ऐड कर सकते हो क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। किसी शब्द का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं बोलूं आप लोगों को, आप लोग ये पढ़ते हो ना बंगाली में अमी तुमाके भालो भाची, जो भी है भाषी, या आप चाइनीज में चले जाओ तो अ ई मी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। ऐसे ही फ्रेंच के कुछ अदर वर्ड्स होते हैं, रशियन लैंग्वेज में कुछ अदर वर्ड्स होते हैं, तो इनका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लेटर, जो इसकी स्टडी करता है उसको आप सिमेंटिक बोलते हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर इतना समझ में आ गया है तो कैन आई टेक योर टेस्ट, अमी तुम आको भालो भाषी मीन्स आई लव यू, यस एंड आई लव यू अ लॉट, ऑल माई स्टूडेंट्स आर माई लव। सोशियोफिलिक पर्सनैलिटी इज अ वन हु लव्स टू बी इन सोसाइटी, हु लव्स टू नो द कस्टम्स एंड द बिहेवियर ऑफ सोसाइटी। ऑफकोर्स डियर, ये सारी चीजें आपके एग्जाम्स में आती हैं, वोकैबुलरी का पार्ट है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे, ये वाला तो आपके सीयूईटी 2022 में आया हुआ भी है। चलो, सो आई विल गिव यू टाइम, यू पीपल नीड टू मैच इट, है ना। तो पहले आप अपना मैचिंग कर लो, जो भी कॉपी पेन लेकर के बैठे उसे मैच कर लो, देन मैं यहां पर आपको ऐसे मैचिंग करके दिखा दूंगी। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होता है, एस्ट्रोमोर कौन होता है, सबकी कनेक्टिविटी आपको बनानी है, तो फटाफट बना के बताओ, एंड आई होप विजिबिलिटी होगी आपको और ये मुझे बोर्ड परेशान नहीं करेगा। आप स्पेशलिस्ट मैम चाइनीज बोल दीजिए प्लीज, चाइनीज, ये जो आमी तो माँ को भालो भाषी है ना, उसको चाइनीज में आई मी ही बोलते हैं, आ ई मी,
which is so ajeeb, but this is true. Aimi. Yann Raskala, mind it. Okay, chalo. Einstein. Yeah, Einstein, dono hi bol sakte ho. Chinese. Albert Einstein, Chinese nahi aati mujhe. आंसर करिए जल्दी जल्दी. भोजपुरी में नहीं आती मुझे. आप लिख लो, सेंटेंस लिख दो, मैं बोल दूंगी. एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कम्युनिटी एंड फैमिली लाइफ. तो ऐसे ऐसे मिलाने की कोशिश करते हैं, इससे ज्यादा आसान हो जाएगा. कम्युनिटी एंड सोशल लाइफ. डिंग 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 डिंग. टेंथ का ही हो गया. कनेक्टेड, इधर से कनेक्ट करते ईजी हो जाएगा. मीनिंग्स एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ वर्ड. जो वर्ड की मीनिंग बताए, उनके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में बताए, उसे क्या बोलते हो? उसे बोलते हो सिमेंटिक्स. तो उसको ले ले. डिंग 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 डिंग. यहाँ पे आ गए, मिला ना, करेक्ट है कि नहीं? डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस. डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस, जो जो इवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में बताए वो क्या होता है? अच्छा, मैं साइड हो गई. सॉरी, आई एम सॉरी. नाम साइड. कोई बात नहीं, आप रेगुलर रहना बस. अब क्लास आपकी डेली बेसिस पर 11 बजे से ही होगी बेटा. भोजपुरी में हम तोहसे प्यार करिल्ला. अच्छा अच्छा नागे नागे वर्ड में तभी वर्ड वर्क नहीं. ओके 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 ग्रेट, वेरी गुड. तो अगर हम इसको कनेक्ट करें सी को, तो ये फर्स्ट से कनेक्ट हो जाएगा ना. तुम लोग ऐसे से मिलाते हैं, इधर वाले वर्ड्स उधर वाले में मिलाते हैं. जब तक आप मिलान करिए तब तक हम आपको एक चीज सुनाते हैं. हम ना रहे तो हमें याद करेंगे ना, हमारी बात किसी और के साथ करेंगे ना. बताइए, करेंगे? इसको गुड़गांव वाली भाषा में ऐसे बोलते हैं, मैं ना रही तो मुझे याद करोगे क्या, मेरी बात किसी और के साथ करोगे क्या. डन डन. डी वाला बताइए. सेलेस्टियल फिनोमेना. जियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, बोटानिस्ट, जूलॉजिस्ट, एंटमोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट. वेरी गुड. ये डी वाला किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? एस्ट्रोनॉमर्स के साथ, जो सेलेस्टियल फिनोमेना को पढ़े. मतलब जो आपकी यूनिवर्स में हो रही हैं चीजें, वही तो होती है ना सेलेस्टियल बॉडीज, उनके बारे में स्टडी करें तो वो कौन हो जाएगा आपका? एस्ट्रोनॉमर. लैंग्वेज की स्टडी कौन करता है? वन हु स्टडी लैंग्वेजेस. थर्ड का जी. जियोलॉजिस्ट इज फॉर अर्थ. वेरी गुड. और बताओ, डी का टू हो गया. वेरी गुड. डी का टू, वेरी नाइस. थर्ड का जी, वेरी गुड. बायोलॉजिस्ट कौन होगा? जो सबकी जिंदगी के बारे में पढ़े. करेंगे मैम, जान दे देंगे आपके लिए. कैसी बात कर रही हैं, बस मांगिएगा मत, देंगे नहीं, है ना? ठीक है. नहीं नहीं, मुझे जान नहीं चाहिए आप लोगों की, मुझे चाहिए कि आप सीवीटी क्लियर कर लो, बस दैट इज सफिशिएंट. कुछ बच्चे बता रहे हैं मैम एर्थ का ई. वेरी गुड. फिलोलॉजिस्ट लैंग्वेजेस को बताता है. भाई ये बोर्ड बहुत परेशान कर रहा है. अच्छा, आज 3 बजे ना आप लोगों की एक विकैबुलरी की क्विज चलेगी, और उसमें एक तरीके से हसल चलने वाली है माइन एंड अजय सर, तो उसमें आप लोग जरूर आइएगा. फिफ्थ का आई गलत है. फिफ्थ का आई नहीं होगा. बायोलॉजिस्ट लिविंग मैटर के बारे में पढ़ता है, तो उसको मैसे कनेक्ट कर सकते हैं एच के साथ. सेवेंथ का एफ, एंटमोलॉजिस्ट.
एंटमोलॉजिस्ट इंसेक्ट फॉर्म के बारे में पढ़ता है. वेरी गुड. और बताओ, अभी बचे हैं ना थोड़े बहुत, बताओ और बताओ क्या है भाई. बोर्ड अभी बच गए हैं आपके, कितने बच गए हैं? बोटानिस्ट बचा है, जूलॉजिस्ट बचा हुआ है, ये दो बचे हुए हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ. जू इज फॉर एनिमल, राइट? तो हम इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, एनिमल लाइफ, एंड बोटानिस्ट इज फॉर प्लांट्स. ओके, आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन. If you ask me to write over here, तो मैं यहाँ पर लिख भी सकती हूँ. ये वाला आपका 10 नंबर का हो जाएगा. आप इसको मैच करना और अपने आपको आउट ऑफ 10 मार्क्स दो जल्दी से. फिर साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ वर्ड, ये 9th है. डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये 3rd है, राइट? एस्ट्रोनॉमर सेलेस्टियल फिनोमेना को पढ़ता है. देन जियोलॉजिस्ट अर्थ के बारे में पढ़ता है. तो जियोलॉजिस्ट कौन से नंबर पे था? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? ये फर्स्ट है और ये सेकंड है. नंबरिंग ही उल्टी करना शुरू कर दे. चलो ये सेकंड है, ठीक है. और थर्ड पे जीव है, तो ये अर्थ हो जाएगा. ओके, और फिर फोर्थ पे क्या है? बायोलॉजिस्ट, तो ये एनिमल मैटर हो जाएगा. बोटानिस्ट फिफ्थ पर है. सिक्स्थ पर है जूलॉजिस्ट, तो ये सिक्स्थ हो गया. एंटमोलॉजिस्ट इज फॉर इंसेक्ट, ये हो गया 7th. और फिलोलॉजिस्ट इज फॉर लैंग्वेज, ये हो गया आपका 8th. फिर आता है आपका सेमांटिक्स, वो 9th और 10th तो हम लोग कर ही चुके हैं. अपने आपको आउट ऑफ 10 मार्क्स दो जल्दी से. उल्टा दे रहे हो बेटा, ऐसे लिखते हैं 10 आउट ऑफ 6, आउट ऑफ 6 10, 6 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 6 नहीं, 6 में से 10 मार्क्स नहीं मिले, 10 में से 6 मार्क्स मिले, फुल मार्क्स, ग्रेट. और फटाफट कुछ रूट वर्ड्स देख लेते हैं जल्दी से, है ना. देखो, एस्ट्रो वर्ड पढ़ा था हम लोगों ने, दिस इज फॉर स्टार. नॉट्स का मतलब होता है सेलर, सेल करने वाला. नोमोस का मतलब होता है अरेंजमेंट. कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स. और डिस का मतलब होता है अगेंस्ट. डिस वर्ड का मतलब होता है अगेंस्ट. तो अगर एस्ट्रोनॉमी होता है तो साइंस ऑफ हेवेंस, यानी कि हेवनली बॉडीज के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो तो वो एस्ट्रोनॉमी है, जिससे एस्ट्रोनॉमर बना. एस्ट्रोलॉजी इज द थ्योरी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स, मतलब जो स्टार्स और ग्रह नक्षत्र आपकी लाइफ में जो इफेक्ट डालते हैं उसको आप बोलते हो एस्ट्रोलॉजी. उसी से एस्ट्रोलॉजिस्ट बना हुआ है. एस्ट्रोनॉट कौन होता है? जो स्पेस रिसर्च के लिए जाता है. सेलर होता है अमंग स्टार्स, सेल करता है, मूवमेंट्स करता है, ठीक है. कॉस्मोनॉट कौन होता है? सेलर ऑफ यूनिवर्स. ये स्टार्स का होता है जो स्पेस पर जाता है, ओके, और ये यूनिवर्स में जाता है, यूनिवर्स की स्टडी करेगा. एस्टर का मतलब है स्टार शेप्ड फ्लावर. फिर लिखा हुआ है मेट्रोनोम, इसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर म्यूजिकल टाइम. ओके, नेक्स्ट है डिजास्टर, जिसका मतलब है ग्रेट मिसफॉर्च्यून, कुछ बहुत गलत हुआ. तो डिस वर्ड भी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे ना, तो समथिंग विच इज अगेंस्ट यू, जो आपके लिए सब कुछ खराब कर दे, उसको आप बोलोगे डिजास्टर. आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन. एक बार जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दो कि यस मैम दिस मच इज क्लियर, ये रूट वर्ड्स क्लियर हो गए. जो शेप होता है ना, आपने देखा होगा जब तारा चमकता हुआ दिखाई देता है ना, तो उसका, अरे यार ये बहुत परेशान कर रहा है, स्टार का शेप ऐसे होता है, होता है ना. तो अगर इस तरह का कोई फ्लावर दिख जाए तो उसको आप बोलते हो एस्टर, स्टार शेप का, ग्रे. आगे बढ़ते हैं, कुछ और रूट वर्ड्स. बायो का मतलब लाइफ, जियो का मतलब है अर्थ, बोटान का मतलब है प्लांट, और जोयोन का मतलब है एनिमल. तो हम लोगों ने जियोलॉजी पढ़ा था इज द स्टडी ऑफ अर्थ, बायोलॉजी पढ़ा था इज द स्टडी ऑफ साइंस, मतलब जो साइंस की ब्रांच डील करेगी लाइफ से. फिर जियोमेट्री आ जाता है, ज्योमेट्री भी पढ़ाई जाती है, मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा, राइट? क्या है यार, परेशान कर दिया. यस दिस वन, ये भी नहीं है, ये देखो.
जियोमेट्री क्या होता है? जियो इज अर्थ, राइट, और मेट्री का मतलब है द मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स. तो जियोमेट्री इज द मैथमेटिकल साइंस ऑफ फिगर्स एंड शेप, यू कैन से. वो कहां से लिए गए? अल्टीमेटली अर्थ पे जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं उनसे ही लिए गए. कुछ तिकोना दिखा तो वो ट्राइंगल हो गया, कुछ चार के शेप में दिखा तो वो हेक्सागोनल हो गया. तो अल्टीमेटली हम लोगों ने अर्थ से ही ये फिगर्स लिए हुए हैं. बॉटनी आपको पता है, प्लांट, एंड जूलॉजी इज फॉर एनिमल्स. नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं ऑटो मतलब सेल्फ, बायो मतलब लाइफ, जियो मतलब अर्थ, बोटान मतलब प्लांट, और जोयोन का मतलब होता है एनिमल. तो ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक नया वर्ड ऐड हुआ सेल्फ. तो आ गया ऑटोप्सी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके एग्जाम में आया हुआ वर्ड है. दिस वर्ड केम इन योर एग्जामिनेशन ऑफ सीयूईटी 2022. सीयूईटी 2022 में आपका ये आया वर्ड ऑटोप्सी. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, और पीएसवाई कहीं पे भी आता है तो उसका मतलब होता है एक कट लगाना, चीरा लगाना, अ काइंड ऑफ कट. बायो का मतलब होता है लाइफ और पीएसवाई का मतलब होता है कट, ठीक है. तो अगर आपकी बॉडी में कोई जिंदा लिविंग टिश्यू है उसको अगर कट करके निकाला जा रहा है तो आपकी बॉडी के एक पार्ट की बायोप्सी होने जा रही है. जो भी कैंसर पेशेंट्स होते हैं ना, उनको सपोज मुंह में कैंसर है या कहीं और कैंसर है, तो उतना बॉडी का पार्ट या उतना लिविंग टिश्यू जहां पर उनको उसको पेन हो रहा होता है वो काट लिया जाता है, तो उसको कहते हो बायोप्सी, ठीक है. तो जो भी गार्ड बनती है, जो भी लिविंग टिश्यू होता है उसको काट लिया जाता है. तो दिस इज नोन एज कि लिविंग टिश्यू वाले पार्ट को जो काटा जाता है दैट इज नोन एज बायोप्सी. अगर किसी पूरी ह्यूमन बॉडी को ही काटा जाए उसको आप बोलते हो ऑटोप्सी. एक बॉडी का एग्जामिनेशन के लिए उसे कट किया जा रहा है. फिर आता है बायोग्राफी, किसी के बारे में कुछ लिख दिया. ऑटोबायोग्राफी, खुद के बारे में कुछ लिख दिया. जोडियाक साइन होती है ना, जोडियाक. तो जोडियाक साइंस क्यों बोली जाती है? क्योंकि आपको जितने भी जोडियाक साइंस मिलेंगे वो सारे के सारे एनिमल्स के शेप से ही लिए जाते हैं, राइट. सो एनिमल्स रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी इज नोन एज जोडियाक. तो जो वर्ड आपका किससे रिलेटेड है? एनिमल से. फिर आता है ऑटोनॉमी. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और नॉमी का मतलब होता है रूल, ठीक. इसको एक और चीज बोल सकते हो आप लोग, ऑटोक्रेसी, जो हिटलर करता था, तानाशाही. ओके, तानाशाही, इसको आप बोल सकते हो डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप ठीक है. आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा बेटा. डन. कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं, ये लास्ट वर्ड्स हैं. N-E-N-N का मतलब है इन, टोम का मतलब है अ कटिंग, ए कहीं पे आ जाए तो वो नेगेटिव बताता है, ए एन ए कहीं आ जाए तो वो अप बताता है, और डी आई सी एच ए डिका कहीं पर आ जाए तो वो दो बताता है, और एपी का मतलब होता है ऑन या अपॉन, और फिलो इज रेफर्स टू लैंग्वेज. फिल इज रेफर्स टू लव और फिलो इज रेफर्स टू लैंग्वेज. तो आता है एंटमोलॉजी. अब एन का मतलब क्या पढ़ा हम लोगों ने? इन, राइट. तो एंटमोलॉजी क्या हो जाएगा आपका? बेसिकली ये वर्ड आपका एंटोम से बना हुआ है, जिसका मतलब है इंसेक्ट्स, जिसको हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. तो अगर इंसेक्ट्स की स्टडी करते हो तो वो आपका क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी. फिर आता है एनाटॉमी. एना का मतलब क्या पढ़ाता हम लोगों ने? अप. और टी ओ एम ई का मतलब होता है कटिंग. तो जिस तरीके से फिजिकल स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं उसको आप बोलते हो एनाटॉमी, चाहे वो ह्यूमन की हो या फिर वो किसी और चीज की हो. फिर आता है डिकोटॉमी. डिकोटॉमी इज द स्टेट ऑफ बींग स्प्लिट इन टू टू पार्ट्स. जैसे अमीबा दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर कभी कभी एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी दो पार्ट में हो जाता है, तो उसको डिकोटॉमी बोलते हैं. एपिटोम इज नोन एज समरी, एग्जाम्पल भी बोल सकते हो. फिलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज. एंड असोशल पर्सनैलिटी इज वन जो कि बिल्कुल सामाजिक नहीं होता, जो सोसाइटी से बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं रखता, वो अकेले जाकर के रहता है, ठीक. ये रूट वर्ड से आपके सारे वर्ड बन गया. मुझे ये बताओ इनमें से कोई ऐसा वर्ड जो आपको क्लियर ना हुआ, फटाफट पूछ लो एवरीबॉडी.
यहां तक किसी को कोई डाउट? एक लास्ट स्लाइड और बची हुई है, उसको हम लोगों को पढ़ना है, उसके अलावा हमारा सब कुछ हो गया। जल्दी से बताओ, इतना समझ में आ गया? एवरीबडी एपिटोम इज द एग्जाम्पल, जैसे कि ताजमहल प्यार की निशानी है ना, तो दिस इज द परफेक्ट एपिटोम ऑफ लव, तो यू कैन सेट इट एज एग्जाम्पल। या बीबी का मकबरा इज द परफेक्ट एपिटोम ऑफ ताजमहल। ठीक, आगे बढ़े। आगे वर्ड लिखा हुआ है सोशियस, जिसका मतलब है कंपेनियन, साथी। एंग्लस का मतलब होता है इंग्लिश, बिब्लियन का मतलब होता है बुक, राइट? तो बिब्लियो वर्ड कहीं पे आ जाए तो बुक से रिलेटेड है, और फाइल PHIL या PHILE लवर के लिए होता है, तो यू आर बुक लवर, दैट मीन्स यू आर बिब्लियोफाइल। एंग्लोफाइल का मतलब क्या होता है? एंग्लो का मतलब होता है इंग्लिश और फाइल का मतलब होता है लव। जिसको इंग्लिश पढ़ने का शौक हो, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का शौक हो, या इंग्लिश के रीति रिवाज सीखने का शौक हो, उसे एंग्लोफाइल बोलते हो। सोशियोलॉजी हम लोग पढ़ी चुके हैं, द स्टडी ऑफ साइंस विच डील्स विद द सोशल स्ट्रक्चर्स। और टोम इज रेफर्स टू अ डल एंड अ हैवी बुक, राइट? जल्दी से फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दीजिए, क्या ये जो एक्स्ट्राज वाले वर्ड हैं आपको क्लियर हो गए? एवरीबडी, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? बिब्लियोफाइल, हाँ, बिब्लियोफोबिया भी हो जाता है, बिब्लियोलॉजी भी होता है फिर आपका, ठीक है? तो बिब्लियो से भी बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं आपके, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपका एक ही वर्ड है। बिब्लियोग्राफी भी होता है, अगर बुक्स के बारे में कहीं पर एक सूची तैयार कर दी जाए तो वो बिब्लियोग्राफी हो जाता है। बिब्लियोफोबिया, जिसको किताबों से डर लगता है, ठीक है? फिर उसके बाद बोलते हैं बिब्लियोफिलिक पर्सनैलिटी, मतलब जो इंसान किताबी कीड़ा होता है, हमेशा किताबों में ही इन्वॉल्व रहता है, उसको आप बोलते हो। अच्छा, एक और वर्ड लिख रही हूं, मुझे बताना उसका क्या मतलब हो सकता है अगर ये पेन मेरा साथ दिया तो। एंग्लोफोबिया, बताओ जल्दी से क्या होगा? हाँ भाई हाँ, तू देगा मेरा साथ, ये पेन परेशान करने के लिए बैठा हुआ है। बिब्लियोलॉजिस्ट भी होते हैं, बिब्लियोलॉजिस्ट वो पर्सनैलिटीज होते हैं जो बुक्स की स्टडीज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स की। बिब्लियोफोबिया हमें है ना मैम, हो भी सकता है स्टूडेंट्स को बिब्लियोफोबिया। फियर ऑफ एंजल नहीं बेटा, फियर ऑफ इंग्लिश, फियर ऑफ इंग्लिश, चाहे इंग्लिश पढ़ने से डर लगता हो या फिर अंग्रेजों से डर लगता हो, तो आप एंग्लोफोबिक पर्सनालिटी हो। वेरी गुड। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से चीजें लर्न करी होंगी, एंड आई विल गिव यू सर्टेन क्वेश्चंस एंड होमवर्क जो कि आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताने हैं, एंड आई विल फील लाइक दैट कि आप इसका आंसर जरूर फाइंड करोगे और इसे अपनी कॉपी में जरूर ऐड करोगे। पहला लिख लो बिब्लियोग्राफिक, बिब्लियोग्राफिक, ठीक है? फिर लिख लो जियो, जियो फिलिक पर्सनालिटी कौन होता है, और फिर लास्ट वाला लिख लेना एन टोमोफोना। इसके आंसर्स आप लोगों को आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में बताने हैं। यहां पर आप लोगों को कनेक्ट करती चलूं कि बेटा डेल्टा बैच इज स्टिल हियर, इफ यू पीपल वांट टू स्टडी फ्रॉम देयर, आपको सारी की सारी चीजें सीक्वेंस में मिलेंगी। आपका बैच 5999 का है, बट यू विल गेट इट लेस देन दैट। अगर आप Y484 कोड यूज कर दोगे तो यू विल गेट द डिस्काउंट नियर अबाउट 1000 इन द बैच। करना क्या है इसके लिए, पहले तो एक काम करो, जरूर से जरूर आप लोग के लिए नेसेसरी है कि आप अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है? सो आपने यहां पर सर्च करोगे अड्डा 24/7, तो आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है, अंडरग्रेड पे जाना है, CUET पे जाना है,
जो भी आप अपना कोर्स चूज करोगे, सपोज आर्ट चूज कर रहे हो, तो यू विल गेट द डेल्टा बैच ओवर हियर. इस बैच में ही एनरोल करना है इफ यू पीपल वांट टू एनरोल. 10th नवंबर से ये बैच स्टार्ट हो चुका है. अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं. 400 से ज्यादा आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी जिसमें आप फेस टू फेस टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो. 258 टेस्ट सीरीज मिल रही है जिनको देख करके आप ये पता लगा सकते हो कि आपकी कितनी प्रेपरेशन हो चुकी है, कितनी प्रेपरेशन बची है. 171 ई-बुक्स हैं जिसमें आपके सारे के सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, अपडेटेड हैं, और अगर आगे भी कुछ अपडेट होता है तो भी वो उसमें ऐड कर दिया जाएगा. यहाँ पे देखें, सारे प्लानर्स आपको दिए गए हैं. जो भी सब्जेक्ट आप लोगे सबके प्लान आपको मिल जाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट कब पढ़ाया जाएगा और कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा. तो देखो, टाइम, डेट और आपका टॉपिक सब कुछ मेंशन है यहाँ पर, राइट. आगे देखो, नीचे यहाँ पर आपको क्या क्या मिल रहा है. 15 फुल लेंथ टेस्ट जो कि आपके एक तरीके से सैंपल पेपर होंगे. 10 सेक्शनल टेस्ट जो सब्जेक्ट वाइज आपको मिलेंगे. डेली क्विजेस मिलते ही हैं आप पर, टॉपिक वाइज दे सकते हो. करंट अफेयर भी डेली आता है आपका. 3000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए. पीडीएफ नोट्स भी मिल रहे हैं रिविजन के लिए. अच्छे अच्छे फैकल्टीज तो हैं ही, वो आपने बताया, देखा भी होगा पिछले साल भी अड्डा ने बहुत सारे, ठीक है, टॉप रैंकर्स दिए. सो आई होप यू बिलीव कि कितना जरूरी है आप लोगों के लिए प्रॉपर गाइडेंस. मेंटोरशिप आपको मिलेगी मिलेगी. टीचर विल टेल यू कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट नहीं लेने. एनसीईआरटी का सिलेबस भी कवर किया जाएगा. आप डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं आप नीचे देख सकते हैं. ऑल दी डेमो क्लासेस आर अवेलेबल ओवर हियर, सारी की सारी. और साथ ही साथ में आपको बताती चलूं, दिस बैच इज ऑफ 5999, बट एज आई टोल्ड यू, अगर आप कोड यूज करेंगे Y484, देख रहे हो, तो ये बैच आपको कितने का मिल जाएगा. यू विल गेट द बैच एट जस्ट कितने रुपए में, 4979, ठीक है. तो ये बैच आपको कितने का मिल जाएगा, ₹4979 का बाय गेटिंग डिस्काउंट. सो यू कैन सजेस्ट योर फ्रेंड ऑल्सो टू टेक दिस एंड गेट सिंक्रोनाइज विद अस. गो इन सीक्वेंस एंड स्टडी हार्ड इफ यू आर ड्रीमिंग फॉर योर ड्रीम यूनिवर्सिटी. बेटा पीवीआई की उसकी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दी है, जैसे ही उनको टाइम लगेगा वो अलाइन कर देंगे. माइट बी संडे तक आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर अलाइंड हो जाए, सो डोंट वरी फॉर दिस. ओके के, ठीक है, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल. प्लीज डू नॉट फॉरगेट आफ्टर द वीडियो आप लोग को मुझे ये जरूर बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा और आप सेशन से नई नई चीजें लर्न कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और आप अपने नोट्स वगैरह बना रहे हो या नहीं बना रहे हो. आपके लिए बहुत जरूरी है मुझे बताते रहना ये चीज कि यस मैम हम रेगुलर बेसिस पे नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब मैं खूब सारे टेस्ट आप लोगों की लूंगी ना तो मैं पूछूंगी पढ़ाया था ना, आंसर तो नहीं किया तुमने, ठीक है. चलो बाय एवरीवन. भालू थकबेन का मतलब, अंकिता यू आर बेंगोली, ग्रेट 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 ग्रेट. तो चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट. तो ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट डीके, बाय.